नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल इग्नू वाला पर। और जब से मैं क्लासेस मैंने इस इग्नू वाला पर लेने शुरू किया, मुझे बहुत ढेर सारा बच्चों का प्यार मिला। लेकिन भाई देखो, क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी है। देखिए, मेरे पास बहुत सी कमेंट आती है, सर ये पढ़ा दीजिए ये पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ाऊंगा सब आपको, चाहे मेरे को सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लेनी हो, पर मैं आपके एग्जाम्स के लिए आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। बस आपसे मुझे थोड़ी सी एक हेल्प चाहिए दोस्तों। हेल्प में आपको करना क्या है, जब आप अपना कमेंट में सब्जेक्ट कोड लिखते हैं मेरे भाई, देखिए मैं आपको कमेंट करने का तरीका बताता हूँ भाई। अगर आप उस तरीके से कमेंट करोगे ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कहोगे सर किस तरीके से मेरे को कमेंट करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट दीजिए आप मेरे को। देखिए आपको करना क्या है भाई, जब भी आप अपनी कमेंट करते हो, जब भी आप कमेंट करते हो ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ना कमेंट में ना अपना सब्जेक्ट कोड, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है BECC 131, साथ में आप ये भी लिख दे करो मेरे भाई कि मेरा जो एग्ज़ाम है सर, मेरा एग्ज़ाम जो है वो इस डेट को है सर, इस डेट को मेरा एग्जाम है। उससे पता है मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई, मेरे पास आपकी डेट शीट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक बेनिफिट मिल जाएगा कि मुझे इतना पता चल जाएगा आपको कब कब कौन सी क्लास देनी है, और कब कब आपकी क्लासेस लेनी है, और कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देना है ना। और देखो बहुत सारे सब्जेक्ट कोड मेरे को बताए जा रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट कोड आपने बताए, ये मैं सोच रहा हूँ उनकी क्लास आपको नहीं मिलेगी, सबकी मिलेगी, डन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 132 का आपको पूरा कोर्स करा रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करो। अब मैं पूरा 131 का कोर्स कराऊंगा, क्योंकि जितना बच्चों ने मेरे को बताया उनसे मेरे को पता चल गया है कि आपका जो ये 131 वाला पेपर है ये शायद 12 जून को है। इसके अलावा चाहे आपका BECC 133 हो और 134, भाई देखो 132 तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, अब बचते हैं ये तीन कोर्स इकोनॉमिक्स के, ये तीनों भी मैं कराऊंगा। इसके अलावा एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर BEGAE 182 पढ़ा दो, वो भी पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। BSOC का आया था एक बच्चे का, वो भी पढ़ाया जाएगा भाई। और ये BHDLA वाले, ये BHDLA 135 जिनका पेपर आज होना है भाई, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। तो आप टेंशन ना लो भाई, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बशर्ते आप कमेंट करने का तरीका थोड़ा सा बदलें और उसमें ये जरूर बताएं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट कोड है, मेरा ये मीडियम है, हिंदी इंग्लिश भी बताओ, साथ साथ ये भी बताओ कि सर कहीं ना कहीं मेरा एग्जाम इस डेट को होना, तो तब तक जल्दी जल्दी करा दो, डन। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ये तो हो गई बिल्कुल फालतू की बात, है ना। अब क्लास को शुरू करते हैं, जो क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए मेरे भाई, ये सब्जेक्ट कोड कौन सा है आपका, अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो आपका एक सब्जेक्ट होगा BAG, BAG डिग्री है आपकी, और आपका सब्जेक्ट होगा BECC 131, जो कि किसका सब्जेक्ट कोड है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है। किसका सब्जेक्ट कोड है मेरे भाई, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड है, ये भी आपको पता होगा। साथ साथ मेरे भाई ये पता होगा आपको कि इसमें जो है ना टोटल कितने ब्लॉक हैं, तुम्हें पता है यहाँ पर किताब के ब्लॉक होते हैं, टोटल तीन ब्लॉक है मेरे भाई, टोटल तीन खंड है, जिनमें से एक खंड आपको यहाँ दिखाई दे भी रहा होगा मेरे भाई। कितने खंड है, टोटल तीन खंड है, जिनमें से एक मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया है मेरे भाई, एक आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा खंड पहला। इसमें कितनी यूनिट है, 1, 2, 3, 4 यूनिट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मैं खंड पहले के मेन क्वेश्चन आपको करा दूं। इस क्लास का जो मुद्दा है ना हमारा, इस क्लास का मुद्दा है हमारा इकाई 1, यूनिट 1 को हम पढ़ेंगे, जिसमें मैंने अर्थशास्त्र के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरे भाई। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी होगी तो मैं बता चुका हूँ अर्थशास्त्र क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो इसे नहीं बताऊंगा। आज का सेक्टर होगा हमारा अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है तो इस लाइव क्लास को जरूर आप अटेंड करें और मेरे को बताते चलें कि सर मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में आप हमेशा बहुत ज़्यादा लंबे कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने मेन बात तो कर दें कि सर मेरा एग्ज़ाम इस दिन को है, मेरा कोड ये है और ये मीडियम है मेरा, और मेरी हेल्प करो, तो तुम्हारी हेल्प जरूर की जाएगी मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला मुद्दा है आज का हमारा दुर्लभता। पहला मुद्दा आपको दिखाई दे ही गया होगा मेरे भाई, पहला मुद्दा क्या है हमारा, पहला मुद्दा है हमारा दुर्लभता। ठीक है, देखिए दुर्लभता को समझने की कोशिश करते हैं, दुर्लभता होती क्या है, दुर्लभता का मतलब क्या होता है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे भाई, देखो दुर्लभता होता है किसी चीज की कमी होना। दुर्लभता क्या होता है भाई, दुर्लभता का मतलब होता है किसी चीज की क्या होना मेरे भाई, कमी होना, है ना। तो देखो दुर्लभता तब होती है जब सभी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, चाहे उत्पादन हो रहा हो, चाहे उपभोग हो रहा हो, चाहे विनिमय हो रहा हो, चाहे निवेश हो रहा हो, दुर्लभता हर जगह दिखाई देती है। अब आप कहोगे सर दुर्लभता का मतलब क्या होता है, भाई दुर्लभता का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी होना। फॉर एग्जाम्पल दुर्लभता, जैसे सोना, आपने गोल्ड तो सुना ही होगा, सोने के आभूषण बनते हैं गोल्ड,
बात कर रहा हूँ किसकी, गोल्ड की। एक मेरे भाई की कमेंट ये आई थी, सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा दिया करो। तो मैं अब ना कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं जो जो बात आपको मैं हिंदी में बताता हूँ थोड़ा इंग्लिश में बताऊँ। तो दुर्लभता इसे स्केर्सिटी कहते हैं, दुर्लभता स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी होना, और जिस चीज की कमी होती है वो चीज अपने आप में दुर्लभ होती है। और इकोनॉमिक्स की मेन समस्या यही है। अर्थशास्त्र का जन्म क्यों हुआ मेरे भाई? अर्थशास्त्र का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि हर चीज में दुर्लभता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं तो उपभोक्ता संतुलन की हम बात करते हैं, और ये देखते हैं कि उपभोक्ता कब संतुलन में होगा। जब हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपभोग करते हुए हमें कब रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भाई पैसा सीमित है। उत्पादन जब हम कर रहे होते हैं तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। इतने सवालों के जवाब हम इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पैसा सीमित है। तो दुनिया में हर चीज क्या है, लिमिटेड है मेरे भाई। हर चीज क्या है, दुनिया में सीमित है। और ये हर चीज जो सीमित है इसलिए इसकी क्या है, कमी है। और दुनिया में हर चीज की क्या कमी है, इसे ही कहते हैं क्या, दुर्लभता। याद रहेगा मेरे भाई, अगर दुर्लभता की बात करें तो दुर्लभता की दो बुनियादी तथ्य हैं। पहला, असीमित आवश्यकताएं। भाई इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारी आवश्यकताएं कभी खत्म हुई हैं? नहीं हुई। हमारी आवश्यकताएं इतनी ज्यादा हैं कि मुकेश अंबानी चाहता है मैं विश्व का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो सोचता है मंगल ग्रह पर चला जाऊं। ऐसा है नहीं है, टेस्ला का मालिक एलन मस्क का नाम सुना तुमने? दुनिया का सबसे अमीर आदमी सोचता है मैं दूसरा ग्रह खरीद लूं, और भारत के सबसे अमीर आदमी सोचता है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और हम सोचते हैं हम इग्नू में फर्स्ट डिवीजन लेके आ जाए, छोटा बच्चा सोचता है मैं आईएएस बन जाऊं। तो आवश्यकताएं कभी खत्म होती है क्या मेरे भाई? आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। और हमारे जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई, सीमित होते हैं। हमारे संसाधन क्या होते हैं, सीमित। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं भाई, गाड़ी भी खरीदनी है, घर भी लेना है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, सोने की चेन भी पहननी है, ये क्या है, हमारी आवश्यकताएं। लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास पैसा अनलिमिटेड है? नहीं है। तो पैसा तो है लिमिटेड, संसाधन तो है सीमित, और हमारी आवश्यकताएं क्या हो गई, अनलिमिटेड यानी असीमित। ऐसी कंडीशन को दुर्लभता कहते हैं, जब हमारी आवश्यकताएं अनेक हो और हमारे पास संसाधन सीमित हो। आपसे दुर्लभता पर टिप्पणी करने के लिए कह सकता है वो पेपर में। तो आपको याद रखना है, दुर्लभता एक ऐसी समस्या होती है, दुर्लभता एक ऐसी समस्या होती है जहां आवश्यकताएं अनगिनत होती हैं और हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, और अपनी सारी आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाते मेरे भाई। और जब हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते तो ऐसी समस्या दुर्लभता की होती है। और इसी समस्या से निपटने के लिए एक विषय बनाया गया, कौटिल्य ने बनाया क्या, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जन्म किस समस्या के कारण हुआ मेरे भाई, दुर्लभता की समस्या के कारण हुआ है, क्योंकि संसाधन तो हो गए सीमित और आवश्यकताएं हो गई असीमित। भाई संसाधन तो हो गए हमारे क्या, सीमित, और हमारी आवश्यकताएं क्या हो गई मेरे भाई, असीमित। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं मेरे भाई दुर्लभता। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसी कंडीशन को हम दुर्लभता कहते हैं। और इसी का ही दूसरा नाम है, दुर्लभता की समस्या को चयन की समस्या कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, चयन की समस्या। दुर्लभता की समस्या को कहते हैं मेरे भाई चयन की समस्या। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुद्दा क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर, दो नंबर आपके आगे भाई पेपर में। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय समस्या क्या होती है, केंद्रीय समस्या। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई, थोड़ा सा नोट करना, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि हर अर्थव्यवस्था को दुर्लभता की समस्या का पालन करना पड़ता है। किसका, दुर्लभता की समस्या। हर अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या है। क्या है मेरे भाई, हर अर्थव्यवस्था में दुर्लभता की समस्या है। तो इसके कारण हर अर्थव्यवस्थाओं को कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई हर अर्थव्यवस्था बोले तो हर देश, अर्थव्यवस्था बोले तो देश, हर देश को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर देश के सामने कुछ समस्याएं हैं भाई। फॉर एग्जांपल, भारत के पास क्या पैसा अनलिमिटेड है? नहीं है। ये पैसा अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब हम देश के लिए उत्पादन कर रहे होते हैं, जब देश के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जब देश के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हमें देखना होता है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। यही हमारे देश की केंद्रीय समस्या होती है भाई। इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है, आपको समझा देता हूँ। उम्मीद है आपको साफ साफ ये दिखाई दे रही होगी भाई, थोड़ी थोड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसे मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और साफ दिखाई दे। देखो भाई, केंद्रीय समस्या की डेफिनेशन आपके लिए लेके आया हूं मैं। देखो डेफिनेशन समझ लेना। देखो संसाधनों की दुर्लभता के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कुछ समस्याएं आती हैं। संसाधन दुर्लभ है, इसलिए हर अर्थव्यवस्था को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्या को कहते हैं आर्थिक समस्या, और ऐसी समस्या को हम केंद्रीय समस्या भी कहते हैं। ऐसी समस्या को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसी समस्या को हम केंद्रीय समस्या भी कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य तीन केंद्रीय समस्याएं होती है मेरे भाई। कितनी केंद्रीय समस्याएं होती है किसी अर्थव्यवस्था के सामने मेरे भाई, मुख्य तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं। कितनी होती है मेरे भाई, तीन केंद्रीय समस्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट पे आपकी आती है क्या उत्पादन करें। कौन सी समस्या मेरे भाई, क्या उत्पादन करें। कैसी समस्या, क्या उत्पादन करें, है ना भाई।
क्या उत्पादन करें, दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पादन करें, दूसरी समस्या क्या आती है भाई मेरे, कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें, तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो भाई ये तीन केंद्रीय समस्या होती है, हर अर्थव्यवस्था के व्यक्ति को इनका सामना करना ही पड़ता है, इसलिए ना केंद्रीय समस्या कहते हैं, क्योंकि संसाधन तो हमारे पास क्या है मेरे भाई, सीमित है, और हमारी आवश्यकताएं क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। अब अनलिमिटेड आवश्यकताओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जरूरी फैसले लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या उत्पादन करें की समस्या से शुरू करते हैं, क्या है ये समस्या, क्या उत्पादन करें की समस्या क्या है मेरे भाई, इसको समझने की थोड़ी सी आप कोशिश करो कि क्या उत्पादन करें की समस्या आखिरकार कहती क्या है, क्या उत्पादन करें की समस्या आखिरकार कहती क्या है। देखो क्या उत्पादन करें ये कहता है कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ही कहता हूँ, एक तो है भाई मर्सिडीज, फॉर एग्जाम्पल एक तो है भाई मर्सिडीज और एक है भाई रोटी, है ना, यानी आटा, बताओ किसका उत्पादन होना चाहिए। आप कहोगे सर मर्सिडीज का उत्पादन होना चाहिए, क्या बिना खाए रह लोगे भाई, बिना खाए रह लोगे, तो अगर आप मर्सिडीज बनाते रहोगे तो अमीरों का तो भला हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा नहीं, लेकिन आप कहोगे सर ऐसा करो मर्सिडीज नहीं बनाओ, ऐसा करो क्या करो आटा उगाओ और क्या करो गेहूँ उगाओ और आटा और रोटियां बनवाओ, मर्सिडीज रहने दो, तो क्या अमीर कभी मर्सिडीज में घूम पाएगा। तो इसका मतलब या तो अमीरों के लिए उत्पादन करना पड़ेगा या गरीबों के लिए उत्पादन करना पड़ेगा। भाई कोई ना कोई एक वस्तु का चुनाव तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन आप कहोगे सर हम चुनाव ही क्यों कर रहे हैं, हम चुनाव कर ही क्यों रहे हैं, हमें तो दोनों वस्तुएं उगानी चाहिए। भाई दोनों के लिए पैसा तो नहीं है, समस्या तो यही है, दुर्लभता नहीं समझे, संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनेक है, तो संसाधनों को बांटना पड़ेगा, है ना, अपनी अलग अलग आवश्यकताओं में संसाधनों को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बांटना पड़ेगा। और जब हम संसाधनों को बांट रहे होंगे तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये उत्पादन करूं या फिर ये उत्पादन करूं, कौन सी वस्तु का उत्पादन करूं और कितनी मात्रा में करूं। तो ये क्या उत्पादन करे की समस्या दो प्रकार की होती है मेरे भाई, क्या उत्पादन करे की समस्या कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, क्या उत्पादन करे की समस्या दो प्रकार की होती है, पहला कौन सी वस्तु उगाऊं, कौन सी वस्तु का उत्पादन करूं और कितनी मात्रा में करूं, कौन सी वस्तु का उत्पादन करूं और मेरे भाई कितनी मात्रा में उत्पादन करूं, इसे हम कहते हैं क्या उत्पादन करे की समस्या। अब बात करते हैं कैसे उत्पादन करूं, कैसे उत्पादन करे की समस्या क्या कहती है, कैसे उत्पादन करे की समस्या मेरे भाई ये कहती है, कैसे उत्पादन करे की समस्या ये कहती है कि कौन सी तकनीक अजमाऊं, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूं उत्पादन करने में, क्योंकि उत्पादन की दो तकनीक होती है भाई, एक तो मजदूरों वाली, एक होती है मशीन वाली, एक होती है कौन सी मजदूरों वाली, एक होती है पूंजी यानी मशीन वाली। तो भाई देखो कैसे उत्पादन करूं, मजदूर लगा के उत्पादन करूं या मशीनों से उत्पादन करूं, आप ही फैसला लो। मान लो आप देश के प्रधानमंत्री होते और आप इन दोनों में से केवल एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कंडीशन में होते, क्योंकि पैसा अनलिमिटेड नहीं है कि मशीन भी लगा लूं मजदूर भी लगा लूं, एक समय पर एक ही संसाधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बताओ कौन सी का करोगे, मजदूरों से काम कराओगे या मशीनों से। आप कहोगे सर मशीनों से कराऊंगा, तो भाई रोजगार कहाँ से लोगे, अगर आप खुद काम नहीं करोगे और मशीनें ही सारा काम करेगी तो पूरा भारत बेरोजगार नहीं हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर मशीनों से नहीं कराएंगे हम तो मजदूरों से कराएंगे, क्या मजदूर सारा काम कर लेंगे, बिना मशीन के काम हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, थोड़े से मजदूर थोड़ी सी मशीनें, यही है हमारी कौन सी समस्या, कैसे उत्पादन करे की समस्या, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करें, कैसे उत्पादन करे की समस्या तकनीक से संबंधित होती है। तकनीक दो प्रकार की होती है, एक तो श्रम प्रधान तकनीक, एक पूंजी प्रधान तकनीक मेरे भाई। तो जो श्रम प्रधान तकनीक होती है हमारी, वो श्रम प्रधान तकनीक ये कहती है कि मजदूरों का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए और कहीं ना कहीं मशीनों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, कैसे उत्पादन करे की समस्या, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू हुम टू प्रोड्यूस, तीन ये समस्याएं होती हैं। तीसरी समस्या पे आ जाओ मेरे भाई, तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि अमीरों के लिए उत्पादन करें मेरे भाई, यानी कि अमीरों के लिए उत्पादन करें या फिर भाई गरीबों के लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, अमीरों के लिए उत्पादन करें या गरीबों के लिए उत्पादन करें, किसके लिए करें, समाज के कौन से वर्ग के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल सारा उत्पादन अगर तुम अमीरों के लिए कर दोगे, सारा उत्पादन अमीरों के लिए कर दोगे तो मर्सिडीज बनाओगे, कार बनाओगे, मॉल्स बनाओगे, स्विमिंग पूल्स बनाओगे, लेकिन क्या गरीब वहां तक, गरीब की पहुंच है वहां तक, तुम बताओ हम जैसे लोगों की पहुंच है मॉल तक आज के समय में, हम तो सुक्कर बाजार में चले जाते हैं अपने आस पड़ोस वाले बाजार में, क्या सच नहीं कह रहा मैं, तुम्हें मेरी बात भली कड़वी लग रही होगी। और अगर सारे सुक्कर बाजार बना दे दुनिया में, मॉल को बंद कर दे, तो एक बात बताओ अमीर क्या सुक्कर बाजार में आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है भाई, उत्पादन दोनों के लिए करना पड़ेगा, कुछ वस्तुएं अमीरों के लिए बनानी पड़ेगी, कुछ वस्तुएं गरीबों के लिए बनानी पड़ेगी, दोनों में से बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और कारण क्या है पता है, बीच का रास्ता क्यों निकालना पड़ रहा है, क्यों हम दबा के मर्सिडीज नहीं बना सकते, क्यों हम साप्ताहिक बाजार दबा के नहीं खोल सकते, क्योंकि भाई इतना पैसा नहीं है, संसाधन
दुर्लभ हैं, संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं, तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आ रही, पल्ले नहीं पड़ रही कि बीच का रास्ता निकाल क्यों रहे हैं। एग्जाम्पल ले लो भाई, जो भी आपका नाम है अपना नाम सोच के एक बार एग्जाम्पल सोचो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आयुष है, अगर मेरी जेब में 100 रुपये होते, मेरी जेब में 100 रुपये होते तो क्या मेरा काम चल जाएगा? दिमाग लगाओ, 100 रुपये में मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ? 100 रुपये में अगर मान लो मुझे भूख भी लगी है और मुझे किताबें भी लेके आनी है, तो क्या मुझे चुनाव नहीं करना पड़ेगा? क्या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं भाई साहब खाना खाऊं इसमें या फिर इसमें मैं किताब ले आऊं? क्योंकि अगर मैंने खाना खा लिया तो किताब के पैसे खत्म, और किताब ले आया तो खाने के पैसे खत्म। तो भाई मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या खाऊं, जैसे क्या उत्पादन करें तो क्या खाऊं, है ना? तो यही टेक्नोलॉजी है। कारण क्या भाई? संसाधन सीमित, आवश्यकताएं असीमित, इसलिए बीच का रास्ता तो हमें निकालना पड़ेगा। और ये 3 समस्याएं हर देश को इनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर देश के पास पैसा सीमित होता है मेरे भाई। इन्हें ही कहते हैं केंद्रीय समस्या। अब आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट मेरे भाई, और फिर हम आगे की क्लास अपनी शुरू करते हैं। डन मेरे भाई, बात समझ में आ गई? बात तुम्हारे क्लियर होती है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई? वास्तव में आपके पल्ले कुछ पड़ता है नहीं पड़ता है? मैं बिल्कुल मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करते हैं भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है, उत्पादन संभावना वक्र। क्या है भाई? उत्पादन संभावना वक्र। साफ साफ आपको दिखाई दे ही गया होगा कि सर आप जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है भाई? वो है आपका उत्पादन संभावना वक्र भाई। क्या है वो? उत्पादन संभावना वक्र। देखो मेरे भाई, सबसे पहले है आपका उत्पादन संभावना, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र आखिरकार होता क्या है? इसे आप इंग्लिश में कहते हो मेरे भाई पीपीसी। क्या कहते हो? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या दिखाता है उत्पादन संभावना वक्र? क्या दिखाता है मेरा भाई उत्पादन संभावना वक्र? उत्पादन संभावना वक्र कुछ नहीं दिखाता, ये उत्पादन की संभावनाएं दिखाता है। ये क्या दिखाता है? उत्पादन की संभावनाएं, उत्पादन की संभावनाएं कि कितना उत्पादन किया जा सकता है, कि कितना उत्पादन किया जा सकता है, उत्पादन की संभावनाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वक्र बनाकर दिखाता हूं, ये वक्र मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। इस तरीके से वक्र बनता है, इस तरीके से वक्र बनता है। ये तो आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये होता है आपका जीरो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये तो ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, तो हर वस्तु पर कोई ना कोई संयोग बनेगा, हर वस्तु पर कोई ना कोई संयोग बनेगा कि अगर इस वस्तु को बी को इतना उगा रहे हैं तो ए को केवल इतना उगा पा रहे हैं, तो हमारा एक संयोग बन गया पी। फिर इसी एग्जांपल से मान लो ए को हम इतना उगाएं तो बी को ज्यादा उगा पाएंगे। कारण क्या? ए में पैसा कम लगेगा, बी में पैसा ज्यादा लगेगा। फिर तो दूसरा संयोग बना लिया हमने क्यू, है ना? तीसरे संयोग की अगर हम बात करें तो तीसरा संयोग हमने यहाँ बना लिया क्या? पी क्यू आर, ठीक है? तो अब आप देखो, दिमाग लगाओ, अगर हम ए की मात्रा घटाते जा रहे हैं तो बी की मात्रा बढ़ती जा रही है, और जब हम बी की मात्रा घटाते जाएंगे तो ए की मात्रा बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पैसा सीमित है मेरे भाई, पैसा सीमित है। अगर ए का वस्तु का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा तो बी का उत्पादन घटाना पड़ेगा भाई। तो दिमाग लगा लो तुम, एक कंडीशन बनती है। पीपीसी वक्र क्या दिखाता है? पीपीसी वक्र ये दिखाता है कि अगर ए वस्तु का उत्पादन, ए वस्तु का उत्पादन आपको क्या करना है, ए वस्तु का उत्पादन अगर आपको बढ़ाना है तो भाई बी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, बी वस्तु का उत्पादन, बी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, घटाना पड़ेगा। ए वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो बी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। यही बात हमारी प्रूफ करता है कौन? उत्पादन संभावना वक्र। साथ साथ वो ये बताता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उत्पादन संभावना वक्र कहता है कि संसाधन भाई साहब हमारे पास क्या है, सीमित है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर एक वस्तु का उत्पादन क्या करना है, घटाना है। अगर एक वस्तु का उत्पादन घटाया जाएगा तभी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, और इसे ही हम कहते हैं क्या, एमआरटी। इसे क्या कहते हैं? एमआरटी। और यही होता है पीपीसी वक्र का ढलान। इसे हम कहते हैं पीपीसी वक्र का ढलान। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? पीपीसी वक्र का ढलान कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब हमने चीज को घटाया है तभी तो हम इस उत्पादन को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा पाए हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इस उत्पादन को बढ़ा पाए हैं। जब उत्पादन घटता है तभी उत्पादन बढ़ता है, एक वस्तु का उत्पादन घटेगा तभी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा। यही बताता है हमें कौन? पीपीसी वक्र। और पीपीसी वक्र क्या दिखाता है? उत्पादन की संभावनाएं दिखाता है, और इसे हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो ये वाली बात समझ में आ गई मेरे भाई। इसके अलावा यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि पीपीसी वक्र का दूसरा नाम क्या है? पीपीसी वक्र का दूसरा नाम है उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन परावर्तन वक्र। इसे क्या कहते हैं हम? पीपीआर भी कहते हैं, है ना? इसे हम कहते हैं फ्रंटियर, फ्रंटियर वक्र भी कहते हैं, रूपांतरण वक्र भी कहते हैं।
पीपीसी वक्र का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? रूपांतरण वक्र। क्या है पीपीसी वक्र का दूसरा नाम? रूपांतरण वक्र। उम्मीद है भाई उत्पादन संभावना वक्र आपको समझ में आया होगा। जो मेरे भाई पेन कॉपी लेके बैठते हैं उनके लिए डेफिनेशन बोलता हूँ, लिख लो। देखो, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के उत्पादन को दिखाता है। ये बात प्रूफ कर देता है, उत्पादन संभावना वक्र ये बात सिद्ध कर देता है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। एक ही समय पर हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। हमें सोचना पड़ेगा कि वस्तु ए अगर हमें ज़्यादा उत्पादित करनी है तो वस्तु बी को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। और उत्पादन का यही त्याग और बढ़ोतरी कहलाती है क्या? MRT। MRT की फुल फॉर्म जिस मेरे भाई को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। MRT को कहते हैं रूपांतरण दर। क्या कहते हैं मेरे भाई? रूपांतरण दर। रूपांतरण दर क्यों इसका नाम रूपांतरण दर पड़ा? क्योंकि ये दिखाती है कि एक वस्तु में उत्पादन की हानि और दूसरी वस्तु में उत्पादन का लाभ हमेशा बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। डन, ये दो बोतलें हैं मेरे पास। मेरे पास क्या है भाई? ये दो बोतलें दिखाई दे रही हैं आपको, ये दो बोतलें दिखाई दे रही हैं। ये माउंटेन ड्यू की बोतल है, ये एक वाटर बोतल है। फॉर एग्जाम्पल, ये दो वस्तु हैं, सब कुछ भूल जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दो वस्तु हैं, अगर मैं इस बोतल को ज़्यादा उत्पादित करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं है, संसाधन सीमित है। अब मेरे को इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 500 रुपये इसमें लगाता हूँ, 500 रुपये इसमें लगाता हूँ, कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ 500 रुपये में ये भी 10 बोतल बनी, ये भी 10 बोतल बनी। भाई 50 रुपये की एक बोतल बनी थी दोनों ही, ठीक है, अच्छा खासी तरक्की चल रही थी। अचानक माउंटेन ड्यू की मांग बढ़ गई, इस बोतल की मांग क्या हो गई मेरे भाई? बढ़ गई। अब इस बोतल की मांग अगर बढ़ गई है तो मुझे इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्या आप भूल गए मेरे पास तो 1000 ही रुपये हैं। तो अगर मुझे इसका उत्पादन बढ़ाना है, इस बोतल का उत्पादन बढ़ाना है, तो इसका उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और यही बात दिखाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो दिखाता है कि अगर इसके उत्पादन की संभावना को आप बढ़ाओगे तो इसके उत्पादन की संभावना कम हो जाएगी। अगर ये वस्तु वाई है, जिसकी कम होती है भाई, याद रखना, जिसका उत्पादन आप कम करोगे उसे कहते हैं डेल्टा वाई, और जिसका उत्पादन आप ज्यादा करोगे भाई उसे कहते हैं डेल्टा एक्स। तो इसका उत्पादन आपने कम कर लिया, इस बोतल का उत्पादन कम कर लिया और इसका बढ़ा लिया, तो डेल्टा वाई जितना आपने कम किया, फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 बोतलों का उत्पादन आपने कम किया, इसके 8 उगाई है ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी 8 का उत्पादन करा, तो इसका किसका कितना कर सकते हो? 12 का कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। अब 600 रुपये इस पर लगेंगे, 400 रुपये इस पर लगेंगे। इसकी टेबल भी मैं बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। डन, देखो तो समझ में आ गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज उत्पादन संभावना वक्र हमारा। अगर आपका कोई भी इस तरीके से डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछा करो, है ना, अगर आपका कोई भी ऐसे डाउट बने तो आप मुझसे जरूर पूछा करो मेरे भाई। चलिए, तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इतनी बात तो आपको क्लियर मैंने कर ही दी है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। उत्पादन संभावना वक्र को आज खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल की क्लास में क्या करेंगे, थोड़ी और चीजें डिस्कस करेंगे। कल की नहीं, आज एक और क्लास में आपके ले लूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। देखिए भाई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई हो तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इस बात के बारे में कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। भाई एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, एग्जाम में भाई साहब ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। उत्पादन संभावना वक्र की कितनी विशेषताएं होती हैं? उत्पादन संभावना वक्र की मेरे भाई साहब 2 विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं होती हैं? 2 विशेषताएं। उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी, एक मिनट दो आप मेरे को, मैं लिख के दिखा दूंगा आपको, है ना, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, थोड़ा सा तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा है हमें, थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, इसको क्या कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो तो आपको ये साफ दिखाई देगा, ये लो, अब दिख रहा है मेरे भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ले लोगे स्क्रीनशॉट इसका। हाँ भाई देखो भाई, सुन लो, तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, ये उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं होती है मेरे भाई। उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं होती है। पहली होती है ये बाएं से दाएं ओर नीचे की ओर ढलान वाला होता है। उत्पादन संभावना वक्र जो पीपीसी वक्र होता है ना, इसका ढलान कहाँ होता है? नीचे की ओर ढलान होता है इसका, नीचे की ओर ढलान होता है। और कैसे? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान होता है इसका। देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से बनता है आपका पीपीसी वक्र। तो देखो, बाएं से मैंने शुरू किया, दाएं की तरफ मैं नीचे की तरफ गया, बाएं से शुरू करके दाएं की तरफ नीचे की तरफ गया, तो यही क्या है हमारा? यही है हमारा पीपीसी वक्र, यही क्या है हमारा पीपीसी वक्र। अगर ये ए वस्तु है तो ये बी वस्तु है। डन, तो ये हो गया हमारा कौन सा वक्र? पीपीसी वक्र, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। तो साफ साफ इसका मतलब आपको समझ में आ गया। दूसरी विशेषता क्या है? ये केंद्र की तरफ, इसका जो मुंह होता है वो केंद्र की तरफ कैसा होता है मेरे भाई? आप ही देखो, केंद्र की तरफ इसका मुंह कैसा होता है? अवतल होता है, कॉनवेक्स होता है। क्या होता है भाई? अवतल होता है, कॉनकेव होता है, सॉरी, कैसा होता है? इंग्लिश वाले मेरे भाई लिख लेंगे, ये होता है कॉनकेव। आपने लेंस तो पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉनवेक्स लेंस।
एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है आपका कॉनवेक्स लेंस। तो कॉनकेव का मतलब क्या होता है, यानी कि पीपीसी वक्र हमारा इस तरीके से नहीं बनता, ये होता है कॉनवेक्स, ये होता है उत्तल, इसे कहते हैं कौन सी अवस्था, उत्तल अवस्था। लेकिन क्या हमारा पीपीसी ऐसा होता है, नहीं होता भाई, हमारा पीपीसी तो ऐसा होता है, हमारा पीपीसी वक्र कैसा होता है, ऐसा होता है, और इस अवस्था को कहते हैं हम अवतल, हमारा पीपीसी वक्र अवतल होता है, और किसकी तरफ होता है, मूल बिंदु की ओर, ये मूल बिंदु होता है मेरा भाई, जो जिसे आप जीरो कहते हो ना जीरो, ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु की ओर ये अवतल होता है। तो पीपीसी वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, इस कंडीशन को आपको याद रखने का है। बीईसीसी 131 की क्लास में ये क्वेश्चन 100% आना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में नहीं आया तो रट लो, क्योंकि कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आप रट के गए थे या समझ के, हर व्यक्ति ये पूछेगा नंबर कितने आए। तो नंबर भाई इससे मिलने हैं, दो विशेषताएं होती है, मैं रिवाइज करा देता हूं कौन कौन सी होती है, कि पीपीसी वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, और पीपीसी वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, ना कि उत्तल होता है। यानी कि कंडीशन क्या बताई मैंने, अगर आप चम्मच को पकड़ेंगे तो चम्मच में उत्तल और अवतल दोनों दिखाई देते हैं, तो जैसे आप चम्मच से खाते हो, जैसे आप चम्मच से खाते हो, तो अगर उसी तरीके से आप चम्मच को ऐसा सीधा पकड़ लें, अगर उसी तरीके से आप चम्मच को सीधा पकड़ लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चम्मच है भी मेरे भाई, मैं आपको चम्मच से ही करके दिखा देता हूँ। देखिए चम्मच दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर कुछ भी उठा के ले आते हो, देखो चम्मच दिखाई दे रही है मेरे भाई, चम्मच, चम्मच का ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है, ये वाला सिरा, पीपीसी हमेशा ऐसे होगा, अगर ये मूल बिंदु है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन की मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु की तरफ पीपीसी हमेशा ऐसा बनेगा, अगर तुमने ये ऐसा कर दिया तो ये उत्तल हो जाएगा मेरे भाई, कॉनवेक्स हो जाएगा, कॉनवेक्स नहीं होता पीपीसी, पीपीसी हमेशा कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो मूल बिंदु की तरफ कैसा होता है, उत्तल होता है, क्या होता है, अवतल होता है, अवतल, कॉनकेव क्या होता है मेरे भाई, कॉनकेव होता है। तो याद रहेगा पीपीसी कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, पीपीसी हमेशा ऐसा बनेगा, यही इसकी दो विशेषताएं होती हैं, पहली नीचे की ओर ढलान होता है, दूसरा क्या होता है, अवतल होता है। तो उम्मीद है भाई आज की क्लास आपको वास्तव में पसंद आई होगी, अगली क्लास में मैं इससे आगे बताऊंगा आपसे, आपको पीपीसी की कहानी, स्टॉक और प्रवाह, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ताकि हम अपना ये ब्लॉक की पहली यूनिट कंप्लीट कर सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आज के लिए केवल इतना ही, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू मेरे भाई।